हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हाउस ऑल रेमेडी। व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल कम खर्चे में आसानी से ये घर पे वाटर फाउंटेन बनाएंगे। ये देखने में बहुत ही प्यारा और अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी मेहनत और आपका वाटर फाउंटेन रेडी हो जाएगा और आपके घर की शोभा को बहुत ही अच्छे से बढ़ाएगा। बस इसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट लेंगे। ये मैंने बड़े वाला गमला लिया है, लंबा जो गमला आता है। और आप ख्याल रखें कि इस गमले के नीचे कहीं पर भी छेद ना हो, वो पूरा पैक हो। अब हम इसके ऊपर ये थोड़े थोड़े से होल बना लेंगे ताकि इसके अंदर छोटे छोटे पाइप फिट कर लेंगे। और ऐसा ही दूसरा गमला बना रखेंगे जिसके अंदर जो हमने ऊपर वाले दूसरे गमले में पाइप से पानी डाल रहे हैं वो नीचे वाले गमले में पानी गिरे, इसलिए दो ही गमले हमें चाहिए। पर ख्याल रखें कि ऐसे ही छोटे छोटे होल बनाएं जिसमें स्ट्रो आसानी से इसके अंदर चली जाए। ये मैंने सारे होल ऐसे बना लिए हैं और साइड में ये होल बनाए हैं ताकि हम इसके साइड में हम लकड़ी की पट्टी से ऊपर का बारिश जैसा इफेक्ट देने के लिए पट्टी लकड़ी की फिट कर सके। ये स्ट्रो है, इसको मैंने कलर कर लिया है और फिर इसको सुखा दिया है। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इक्वल साइज में कट कर लेंगे। इसके लिए हम पहले इसके ऊपर एक लंबा सा छेद ऐसे कट कर लेंगे। ऐसा करने से जो हमने गमले के अंदर छेद बनाए हैं इसके अंदर ये आसानी से चला जाएगा बिना मुड़े बगैर। और ये पाइप भी थोड़ा डबल हो जाएगा तो इससे हमारा क्या होगा कि पाइप थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो पानी के कारण ये नीचे नंबर फोल्ड होके गिरेगा नहीं। अब हम इसको एक स्ट्रोक में तीन पीस करूँगी और इक्वल अमाउंट में सारे कट कर लूंगी। ये देखिए इक्वल साइज में मैंने कट करके इस हॉल के अंदर इसको अच्छे से डाल लिया है। अब हम ग्लू गन की मदद से इसको अच्छी तरह चारों तरफ से पैक कर लेंगे ताकि कहीं से साइड से भी पानी ना गिरे इसके अंदर। ख्याल रखें कि इक्वल साइज का पाइप हो तो पानी गिरेगा तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं है तो आप सीजर की मदद से इसको इक्वल साइज में कट कर लीजिए। और ग्लू गन की मदद से हॉल के चारों तरफ हम इसको पैक कर लेंगे। ये देखिए सारे हॉल मैंने इसे पैक कर लिए और हमारा ये ऊपर का गमला रेडी है। अब इसको हम स्टोन के ऊपर रखेंगे थोड़ा हाइट देने के लिए और नीचे दूसरा जमीन पे गमला रखेंगे। और ये लकड़ी की पट्टी मैंने ली जो ऊपर से दो ऐसे रखी है जिसमें एक में मैं पानी की लाइन लगाऊंगी और दूसरे में मैं एलईडी लाइट की लाइट लगाऊंगी। लकड़ी की पट्टी की लंबाई गमले की लंबाई जितनी ही रखी है और इसको मैंने फिट कर लिया है। और हाइट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसकी रख सकते हैं। पट्टी को भी स्पॉट जैसा ही ऐसे मैंने कलर कर लिया है। अब हम इसको साइड में जो हॉल हमने पहले से बना रखे हैं इसके अंदर हम ये हार्डवेयर शॉप में आपको ऐसी प्लास्टिक की ऐसी लाइन मिल जाएगी, इससे हम इसको फिट कर लेंगे। हार्डवेयर वालों की शॉप में ये आपको आसानी से ये मिल जाता है। देखिए हमारी पट्टी अब अच्छे से इसको फिट हो गई है और एक्स्ट्रा वायर हम इसका कट कर लेंगे और फिर ग्लू गन की मदद से इसको अच्छी तरह से पैक कर लेंगे इसके हॉल को ताकि कहीं से भी पानी बाहर ना निकले। पॉटे इसको मैंने पत्थर पे रख लिया है और पीछे भी थोड़े पत्थर ऐसे हाइट बढ़ाने के लिए रख दिए। इस पर मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर के जो रेडीमेड लॉन आती है वो डाल के राधा कृष्ण की मूर्ति रखूँगी। और ऊपर की पट्टी है जो हमारी, इसके अंदर ये वाटर वाला पाइप हम फिट करेंगे और दूसरे में हम एलईडी की पट्टी आती है रेडीमेड आपको मार्केट में मिल जाएगी वो फिट करेंगे। पहले हम पाइप को मुंह अच्छे से पैक कर गए, इसके अंदर हम ऐसे छोटे छोटे होल बना लेंगे ताकि इससे हमारा पानी बारिश की तरह गिरे। सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम पूरे इसके ऊपर का जो पाइप आता है जहाँ पे हमें फिट करना है लकड़ी की पट्टी के ऊपर उतने में होल कर लेंगे। ख्याल रखना है कि ये सोल्डरिंग आयरन बहुत ही गर्म होता है तो आपका हाथ गल ना जाए। अगर सोल्डरिंग आयरन आपके पास नहीं है तो आप कोई भी लोखंड का वायर लेके इससे होल बना सकते हैं गरम करके। ये देखिए ऊपर की पट्टी में मैंने पूरा ऐसे होल बना लिया है और ये लकड़ी की पट्टी में हम फिट कर लेंगे। और पीछे मैंने ये मिरर भी एक रख दिया है ताकि
बारिश का इफेक्ट इससे अच्छा है, और नीचे मोटर लगा ली है। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, इसको मैंने ये नकली लॉन ऐसे मार्केट में मिल जाती है इसके ऊपर रख दी है, जो पीछे जो स्टोन रखा था उसके ऊपर। और ये थोड़े से गमले पॉट मिल जाते हैं मार्केट में नकली फ्लावर के, वो भी मैंने रख दिए हैं। ये फूलों की दो तीन बेलें हैं, इसको भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे, ताकि हमारा जो पाइप है या एलईडी लाइट है वो बाहर से हमारा नहीं दिखे, या वायर से हमने जो इसको फिट भी किया है पाइप को फिट करने का वायर भी, वो भी दिखे नहीं। और फूलों और बेलों की वजह से थोड़ा गार्डन जैसा भी इफेक्ट इसका अच्छा आएगा। ये देखिए कितना अच्छा और सुंदर लग रहा है हमारा फ्लावर का ये डेकोरेशन। फाउंटेन के लिए मोटर भी आपको जहाँ एक्वेरियम का सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाएगी। अब हम साइड में ये थोड़े से और प्लांट रख देंगे, ताकि थोड़ा गार्डन जैसा इफेक्ट आए और राधा कृष्ण जैसे गार्डन में झूल रहे हैं ऐसा लगे, और बारिश हो रही है ऐसा लगे। पीछे बड़ा सा मिरर डाला है, उस वजह से उसके अंदर भी फ्लावर का रिफ्लेक्शन पड़ेगा और अच्छा लगेगा। ये मिस्ट मेकर है जो पानी में नकली धुएं जैसा इफेक्ट देता है, इसको भी हम नीचे का जो पॉट है उसमें साइड की तरफ डालेंगे, ताकि नकली धुआं इसके ऊपर निकले और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा पूरा अब ऐसे डेकोरेशन और पाइप फिटिंग सब रेडी है। अब हम नीचे के पॉट में हम पहले पानी डालेंगे, इसके अंदर पानी इतना डालेंगे मोटर अच्छे से ढक जाए ये पानी की, और ऊपर के पॉट में हमें इतना पानी डालना है जब तक ये स्टोव में से पानी बाहर निकलने ना लगे। ये देखिए हमारा पानी अब बाहर निकलने लगा है और हमारा पानी का पॉट रेडी है। अब हम इसके अंदर ये नकली लोटस के ऐसे मिलते हैं मार्केट में फ्लावर, इसको हम डालेंगे नीचे, ताकि ये हमारा मोटर वगैरह है वो भी अच्छे से ढक जाए। देखिए अब हम ये चालू करेंगे, देखिए कितना प्यारा और अच्छा बढ़िया लग रहा है। नीचे से थोड़ा धुआं निकल रहा है उस मिस्ट मेकर की वजह से, और ऊपर से एलईडी की वजह से लाइट भी अच्छी लग रही है, और हमारा पानी का फ्लो बारिश जैसा ही आ रहा है ना, बिल्कुल प्यारा और सुंदर लग रहा है ना हमारे राधा कृष्ण का ये डेकोरेशन। बिल्कुल कम सामान में आप आसानी से इसको बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा और सुंदर लगता है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करना, एंट्रेंस में अगर आप इसको रखते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। प्लीज़ मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे। थैंक यू।